देशवासियों के नाम संदेश। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 1977 में भाषणों और संदेशों से प्रेरित। ऐसा भी हो सकता है कि परिस्थितियां मुझे उछाल दें कि मैं शासक पार्टी और सरकार का बड़ा नेता बन जाऊं, प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं। तब मुझे देशवासियों के नाम संदेश प्रसारित करना पड़ेगा। मैं आशाओं और आश्वासनों से भरा ये संदेश प्रसारित करूंगा। मेरे देशवासियों, मैंने आप लोगों को देवियों और सज्जनों नहीं कहा। जब से उस स्त्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर हम लोगों को तंग किया है, मैं किसी स्त्री को देवी नहीं कहता। पहले मैं प्रार्थना में सीताराम और राधा कृष्ण कहता था, पर अब केवल राम कृष्ण कहता हूँ। मेरी सलाह है कि आप में जिनका नाम सीताराम है, वे उसे रामचरण कर लें और राधा कृष्ण अब कृष्णदास हो जाएं। अगर आप जल्दी ऐसा नहीं करेंगे तो मैं गृह मंत्री से कह दूंगा और वे आपको दुरुस्त कर देंगे। आप लोगों ने हम पर विश्वास करके हमें सत्ता सौंपी, ऐसा आपने पहली बार नहीं किया है। पहले भी आप विश्वास करके ही सत्ता सौंपते रहे हैं, तो जैसे पिछली सरकार ने आपके विश्वास को भलीभूत किया, वैसे ही हम भी करेंगे। हम उनसे किसी कदर हेठे नहीं पड़ेंगे। देश के सामने बहुत समस्याएं हैं, पिछली सरकार ने समस्याएं ही समस्याएं छोड़ी हैं। आखिर हम क्या हैं? हम भी तो पिछली सरकार की छोड़ी हुई समस्या हैं। तो देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी है। हम 10 वर्षों में गरीबी और बेकारी खत्म कर देना चाहते हैं, मगर आप कहेंगे कि ये बहुत जल्दी है, 20 साल में खत्म होना चाहिए। खैर, हम समझौता कर लेते हैं, 15 सालों में गरीबी और बेकारी मिटाएंगे। आप भी खुश, हम भी खुश, पर मैं आपसे साफ कह देता हूँ कि आप कितना भी जोर डालें, 15 साल से एक दिन भी ऊपर हम गरीबी और बेकारी नहीं चलने देंगे, आपको भला लगे चाहे बुरा। दूसरी समस्या महंगाई की है। सरकार जानती है कि मुनाफाखोरी हो रही है, पर मुनाफाखोरी मिट सकती है यदि लोग महंगी चीजें खरीदने से इनकार कर दें। गेहूं महंगा है तो मत खरीदिए, दाल महंगी है तो मत खरीदिए। जब लोग खरीदेंगे ही नहीं तो मुनाफाखोर किसे बेचेगा? मुनाफाखोरी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि नहीं खरीदेंगे तो खाएंगे क्या? मैं पूछता हूँ, क्या दाल रोटी से ही पेट भरता है? आप फल और दूध का सेवन कीजिए। फिर भी इस मामले में सरकार अपना कर्तव्य करेगी। हम महंगाई 5 साल 3 महीने और 12 दिन में खत्म कर देंगे। हरिजनों की समस्याएं भी हैं। ये समस्याएं इसलिए पैदा हुई हैं कि इन लोगों को हरिजन कहा जाता है। हमारे विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं कि इन्हें कौन सा दूसरा नाम दिया जाए। जब हरिजन ही नहीं होंगे तो हरिजन समस्या भी नहीं रहेगी। न रहेगा झाड़, न बजेगी बांसुरी। झाड़ से मेरा मतलब बांस से है। अब नया नाम खोजने और उसे बदलने में समय लगेगा। हम इस समस्या को 7 साल 4 महीने और 13 दिनों में खत्म कर देंगे। लोग कहते हैं कि तस्करी बढ़ी है, पर तस्कर तो रोटरी क्लबों में नैतिकता पर भाषण दे रहे हैं, वे अपने ही लोगों के बीच हैं। मैंने तस्करों से बात की है, उनका स्तर उठ गया है। वे अब अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्ग्रहीय तस्करी करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ अंतरिक्ष यान चाहिए। हम इस बारे में अमेरिका से बात कर रहे हैं। हम खुद भी अंतरिक्ष यान बना रहे हैं। जब तस्करों को अंतरिक्ष यान की सुविधा मिल जाएगी, तब वे चांद से यूरेनियम लाकर अमेरिका में बेचा करेंगे। पर तब तक उन्हें अभ्यास बनाए रखने के लिए यहीं तस्करी करने दी जाएगी। मेरा विश्वास है, हम 8 साल 3 महीने और 7 दिनों में तस्करी खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार की समस्या पर भी हमारा ध्यान है। इसे खत्म करने के लिए हम नए और सदाचारी मनुष्य पैदा करेंगे।
हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी दवाएं और इंजेक्शन खोज लिए हैं जो गर्भवती को दिए जाएंगे तो सदाचारी बच्चा पैदा होगा। हम भ्रष्टाचार को गर्भ में ही खत्म कर देंगे। ये उपाय हम तत्काल चालू कर रहे हैं। यदि दवा और इंजेक्शन नकली नहीं हुए तो परिणाम शुभ होगा। अब 9 महीने तो गर्भ के हो गए। इसके बाद लगभग 20-21 साल में आदमी कार्य क्षेत्र में आएगा तो भ्रष्टाचार 20 साल 9 महीने में खत्म हो जाएगा। मैं तो शराबबंदी भी तुरंत लागू करना चाहता हूँ, पर मंत्रिमंडल में इस बारे में मतभेद हैं। आप जानते हैं, सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। हमें एक दूसरे को समझाने में 5 साल लगेंगे। यदि इस अवधि में सारा मंत्रिमंडल विरोधी हो गया तो तत्काल शराबबंदी लागू हो जाएगी। पर यदि पीने वालों ने मुझ जैसों को भी मदिरा प्रेमी बना दिया तो मैं आपसे कहूँगा कि नशाबंदी देश के हित में नहीं है। शिक्षा की समस्या भी है। असल में ये शिक्षा की समस्या अंकों की समस्या है। प्रश्न है, 10+2+3 हो या 10+3+2 हो, 10 के बाद 2 हो या 3, ये समस्या है। हम लोग इस समस्या को 4 साल 10 महीने और 20 दिनों में सुलझा लेंगे। और भी कई समस्याएं हैं। लोग पान का पीक सड़क पर थूक देते हैं, ढोर कहीं भी गोबर कर देते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, सांप काटते हैं, गधे रेंकते हैं, भैंस दूध में पानी की मिलावट करती है, जानवर खुलेआम प्रेम व्यापार करते हैं, सुअर मैला खाता है, शेर बिना पकाए गोश्त खा जाता है। हम इन सब को ठीक करेंगे, पर कोई काम बदले की भावना से नहीं करेंगे। यदि हम कुत्ते के लघु शंका के तरीके पर पाबंदी लगाते हैं तो हम ये सब इस बदले की भावना से नहीं कर रहे हैं कि वो हम पर भौंकता था। हम उसका नैतिक उत्थान करना चाहते हैं। इन सब सुधारों में भी 15 साल 7 महीने और 3 दिन लग जाएंगे। हम नागरिकों के स्वास्थ्य की समस्या भी सुलझाएंगे। मलेरिया और कैंसर, ये 2 रोग हमें दूर करने हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने खोज कर ली है कि ये दोनों रोग एक ही तरह के मच्छर से होते हैं। इन मच्छरों को नष्ट करने की दवा भी उन्होंने खोज ली है। ये दवा बाहर मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए छिड़की जाएगी और यही दवा कैंसर के मच्छरों को मारने के लिए आदमी के पेट में भी छिड़की जाएगी। इस तरह हम 9 साल 1 महीना और 10 दिनों में मलेरिया तथा कैंसर को खत्म कर देंगे। हम जनता का नैतिक उत्थान भी करेंगे। हमें ज्ञान हुआ है कि पिछले शासन के काल में पतिव्रत धर्म में काफ़ी गिरावट आई है। सरकार इससे चिंतित है। मैं जब नज़रबंदी में था तब समय काटने के लिए मैंने रामचरितमानस का पाठ कई बार किया। उसमें उत्तम नारी का ये लक्षण बताया गया है, उत्तम के अस बस मन माही सपनेहू आन पुरुष जग नाही। कुछ दुष्ट इसका उल्टा अर्थ निकालते हैं कि उत्तम नारी वो है जिसके लिए सपने में कोई पर पुरुष नहीं होता, अर्थात सब अपने ही होते हैं। ऐसे दुष्टों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्यवाही करेगी। हम 10 साल 8 महीने और 10 दिनों में इस देश के पतिव्रत धर्म की पुनः प्रतिष्ठा कर देंगे। अब जोड़िए कि ये सारी समस्याएं कितने सालों में सुलझ जाएंगी। गरीबी और बेकारी खत्म करने के लिए 15 साल, महंगाई 5 साल 3 महीने 12 दिन। इस तरह जोड़कर देखें तो सारी समस्याएं सिर्फ 101 साल 1 महीना और 15 दिनों में हल हो जाएंगी। जय हिंद।